हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, जेएसएससी ने रिजल्ट से पहले रद्द कर दी थी नियुक्ति प्रक्रिया। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, तो इसमें 11 तारीख का जो है वो डेट दिया गया था हाईकोर्ट में। और इसमें जो संभावना यही है कि फिर से एक नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा हाईकोर्ट की ओर से। इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बहुत सारे छात्र परेशान हैं, क्या रनिंग जो है एक्साइज का रनिंग क्या हाई कोर्ट के केस के कारण रोका गया है। तो मैं सबसे पहले इसको मना करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो अलग मामला है, मामला मतलब एक्साइज से ही है, लेकिन उसके चलते जो है वो स्टे रनिंग में नहीं लगाया गया है। रनिंग में स्टे जो है वो रनिंग में प्रॉब्लम हो गया है, वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो जाते हैं। वो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, ये हाईकोर्ट का जो है वो कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है एक्साइज के रनिंग को रोकने का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो छात्र मेहनत किए थे, एग्जामिनेशन दिए थे, उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। और जो मैं पिछला बोल सकता हूँ, पिछला वैकेंसी एक्साइज वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है छात्रों ने केस किया हुआ है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया अभी कि 11 तारीख को डेट यहाँ पे छात्रों को दिया गया है। तो इसमें देखिए, मैं यही कहूँगा कि न्यू स्टूडेंट जितना भी हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, वो सब तैयारी में लगे रही है। अपने रनिंग को डिमोटिवेट होकर छोड़ना ये सही बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है वो आगे बढ़ चुकी है, सरकार आगे बढ़ चुकी है। और संभवतः हो सकता है कि जो है फिर से रनिंग कराया जाए। रनिंग तो उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम तो एग्जामिनेशन पहले थे, तो आपका रनिंग हो सकता है, ठीक। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। जिस तरह से सरकार सक्षम हो जाएगी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 4 लाख हैं, तो इस इतने कैंडिडेट का रनिंग कराने में सरकार सक्षम हो जाएगी, तो वो रनिंग के लिए आपको डेट मिल जाएगा। वैसे भी आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे जेएसएससी की वेबसाइट पे, और उसमें एक्साइज के रनिंग का भी डेट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, सरकार बाध्य है, आपका रनिंग लेगी ही लेगी। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, रनिंग पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद एक बेहतर अपडेट मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, अपकमिंग डिफेंस जॉब जितने भी हैं उसके बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि अपकमिंग डिफेंस जॉब में और कौन कौन से वैकेंसी और कितने पोस्ट आने की संभावना है, उसमें एज क्या रहेगा। सबसे बड़ा मैटर जो है झारखंड में अभी यही चल रहा है, वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक्साइज वाला जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्साइज में जो पुराने लड़के हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए जो कोर्ट निर्णय लेगा, लेकिन नए लड़के जो हैं उनको रनिंग पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रनिंग होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। और आप रनिंग में अगर बाहर हो जाएंगे तो वहाँ पे इतना इंतज़ार करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। अंत समय में अगर आप छोड़ देंगे, इतना आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, बहुत लड़के जो हैं वो रनिंग कंप्लीट कर चुके थे, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जैसे ही इस तरह के अपडेट आए या डेट एक्सटेंशन हो गया तो वहाँ पर छात्र जो है वो रनिंग छोड़ दिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बेहतर रणनीति के साथ आपको दौड़ते रहना है, क्योंकि अपकमिंग में जो है वो डिफेंस के बहुत सारे जॉब झारखंड में आने वाले हैं, वो भी इलेक्शन से पहले। और यही सरकार जो है आपको डिफेंस में जॉब दे सकती है अभी के फिलहाल में, और देगी भी, क्योंकि अभी आपके पास इस सरकार के पास 1 साल का टाइम बचा हुआ है। और सरकार भी चाहेगी कि छात्रों को कुछ किया जाए छात्रों के साथ। अभी तो छात्र जो है उस प्रचार से काफ़ी भयभीत हैं कि सरकार ने इस तरह के बैनर चिपका दिए हैं कि लगातार नियुक्तियां चल रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तो देखिए, सरकार को भी हकीकत से वाकिफ है सरकार भी, और वो जानती है कि गलत प्रचार करना अभी तो मानते हैं गुमराह कर लेगी, लेकिन जो जेन्युइन है वो इलेक्शन में दिख जाएगा। तो सरकार भी चाहेगी कि कोई नियुक्ति से रिलेटेड बातों को लेके छात्र जो है उस पर राजनीतिक प्रभाव ना डाल दे, और वहाँ पे वो हारना नहीं चाहेगी, फिर से सरकार में आना चाहेगी। तो उस स्थिति में जो है आपको वैकेंसी इस सरकार में ही देखने को मिलेगा, और बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्साइज वाला आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आप रनिंग अभी भी छोड़ दिए हैं तो कुछ कुछ दूरी पर आप रनिंग करते रहें, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे लगातार आप दौड़ते रहें। और विंटर सीजन भी आने को है, तो बेहतर होगा कि आपका रनिंग विंटर सीजन में हो, और एक सही समय पे जो है वो रनिंग को चुना जाना, ये भी एक मैं मानता हूँ कि आपके लिए नसीब वाली बात रहेगी, क्योंकि आप विंटर में दौड़ेंगे तो वो बेहतर होगा। और क्योंकि लंबा रनिंग है आपको परेशान कर देता समर सीजन में, तो विंटर आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी यही अपडेट था कि उत्पाद सिपाही वाले जितने भी केसेस वाले हैं उनको 11 अक्टूबर को फिर एक डेट यहाँ पे मिलने वाला है,
और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है या पुराने वाले भी छात्र, वो रनिंग को जारी रखें, क्योंकि सरकार किधर भी मुड़ सकती है। और संभावना अगर हमसे पूछेंगे तो यही है कि फिर से रनिंग जो है वो सरकार के द्वारा कराया जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।